शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये दोनों, अरे तुम दोनों कहां रह गई? इतना लेट कर रही हो। अरे राखी बांधने का भी एक टाइम होता है, जल्दी करो ना। आपको तो पता है ना, आजकल की लड़कियों को सजने संवरने में कितना टाइम जाता है। कोई भी त्योहार हो, इन्हें बस तैयार ही होना होता है। भाभी तो क्या आप आजकल की नहीं है? लगता है आपकी उम्र हो गई। चारू, लगता है कि भैया को भूख लगी है, और वैसे भी भैया से भूख बर्दाश्त तो होती नहीं है, इसलिए उनको जाने की जल्दी है। भैया से भूख तक तो बर्दाश्त होती नहीं है, हमारी रक्षा क्या करेंगे? अब इन दोनों से ना कोई बातें बनाना सीखे। अब जल्दी करोगी भी या बातें बनाओगी? यार हमारा गिफ्ट? हाँ हाँ दे रहा हूँ, सब्र तो करो। ये लो, ये रहा तुम्हारा। थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। भैया इस बार भी कुर्ती दी आपने, आपको बोला था ना कि हमें इस बार जींस और टॉप चाहिए। और मैंने बोला था ना कि अच्छे घर की लड़कियां जींस वींस नहीं पहनती हैं। ध्यान से देखो, ये कुर्ती लेटेस्ट फैशन का है। ठीक है, अच्छा है, चलो हम निकलते हैं, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज सबमिशन है ना, तो उसका लास्ट डेट है। अरे पर खाना तो खा के जाओ। भाभी मैं आकर खा लूंगी, और वैसे भी आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कलर भी है। जब तुम पहन कर निकलोगी ना, तुम्हारी सहेलियां बहुत तारीफ करेंगी। रहने दो भैया। अरे अपने मुंह बोले भाई को राखी नहीं बांधोगी? बिल्कुल नहीं, कोई भूलना भी चाहे तो तुम थोड़ी ना भूलने दोगे। अच्छा हुआ गौतम तुम टाइम पे आ गए, चारू तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चारू जल्दी से गौतम को राखी बांधो। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है जोरों की। मेरा गिफ्ट? चारू गिफ्ट भी बाद में देख लेना, चलो पहले चल के खाना खाते। किसी ने देखा तो नहीं ना? आते हुए किसी ने देखा होता तो तुमसे भी राखी बंधवा देते। वैसे भी तुम्हारी भाभी शक करती रहती हैं हमेशा। अरे घर में कोई जवान लड़का आता जाता रहेगा तो शक तो कोई भी करेगा ना, तो उनके इस शक को यकीन में बदल दें। अच्छा
मतलब गिफ्ट सारे मुंह बोले बहन को देना है और गर्लफ्रेंड से सब कुछ फ्री में चाहिए। तुम्हारे लिए भी कुछ है? Wow, it's very nice. अब लाए हो तो पहना भी दो। बिल्कुल। मौके का बड़ा अच्छा फायदा उठाते हो तुम। फायदा तो मतलब ही लोग उठाते हैं। हम प्यार करने वाले तो पल को जीते हैं। क्या बात है, बड़े शायरा ना बन जाओ। तुम जो सामने हो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, पास के शहर का है, आज मिलने जा रहा हूँ उससे। लेकिन भैया मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। शादी के लिए घर के बड़े सोचते हैं, लड़कियां नहीं। और जहाँ घर के बड़े लोग शादी तय कर देना, वहाँ चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए। ओके? दीदी का एक सपना है। सपना नींद में देखने के लिए होता है। आज बोलोगे कि सपना पूरा करना है और कल को किसी लड़के को लेकर आओगे और बोलोगे कि लव मैरिज करनी है। अभी आप राही का पहाड़ बना देती हो। मैं तुम्हें इस घर के नियमों से आगाह कर रही हूँ। इस घर में लव मैरिज करना, बिजनेस करना, सपने देखना अलाउ नहीं है। और इस घर में लड़कियों के लिए भी कुछ नियम कानून है। जब मैं दूसरे घर की होकर भी इस घर के नियम कानून को फॉलो करती हूँ तो तुम दोनों नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम दोनों की शादी करवा कर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहता हूँ। वैसे भी कुंवारी लड़कियों को ज्यादा दिन तक घर पे रखना अच्छा नहीं होता। दीपिका ठीक कह रही है। चलो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं लेट हो रहा हूँ जाने के लिए। मैं जाता हूँ, कुछ सामान लेना है घर में, उसके बाद निकलता हूँ मैं। ओके बाय। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, पास के शहर का, आज मिलने जा रहा हूँ उससे। लेकिन भैया मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। शादी के लिए घर के बड़े सोचते हैं, लड़कियां नहीं। दीदी, भैया को ना हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। उनको बस कैसे भी करके शादी करके हमसे पल्ला झाड़ना है। देखो, हमें भैया को अपने सपने के बारे में बताना पड़ेगा कि हम एक फैशन बुटीक खोलना चाहते हैं और उसके लिए हमें 15 लाख की जरूरत है। अरे जो हमें फैशन के नाम पर जीन्स नहीं पहनने देते, वो फैशन बुटीक के लिए 15 लाख रुपए देंगे? बात तो करनी पड़ेगी ना। आप ना मुझे समझा सकती हो, लेकिन जब भैया के सामने बात करने की बात आती है तो आप बिल्कुल चुप हो जाती हो। देखो, आपको भैया को बताना होगा कि आपका अभी शादी का बिल्कुल मन नहीं है। आप ये मत भूलो कि आपकी ये शादी हमारे सपने के बीच की सबसे बड़ी बात है। मैंने लोकेशन भी फाइनल कर दी, अब बस जाके उससे मिलना है। चारू, आकर बर्तन धो, मैं स्लैब साफ कर रही हूँ। मुझे अभी बाहर जाना, आके धो दूंगी। भैया को फोन करके बताया कि बाहर जा रही हो। अब बाहर जाने के लिए भैया की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोनों बहनें या तो रूम में पड़ी रहती है या बाहर घूमती रहती है, और जब घर के काम करने की बारी आए तो इनकी नौनी मर जाती है। अदिति, अब तुम भी किसी काम से बाहर जा रही हो? घर पे काम करने के लिए तो तुम्हारे भैया ने नौकरानी ला के रख दिया है। घर का सारा काम तो नौकरानी करती है। अब स्लैब साफ करो कि बर्तन धो, 10-10 हाथ तो है नहीं मेरे पास। ठीक है भाभी, मैं धो देती हूँ। चारू, अदिति, दीपिका कहाँ हो तुम लोग? अरे जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ? क्या बात है, काफी खुश लग रहे हो। अरे खुशी वाली बात है तो खुश तो होंगे ना। पहले ये लो मिठाई खाओ। अरे लेकिन बताओ तो मिठाई किस लिए? अरे बताता हूँ, पहले लो तो। मैंने लड़के वालों से शादी की बात कर ली। बहुत ही अच्छा लड़का है, राजेश नाम है उसका। कल 1 सप्ताह की ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए लखनऊ आ रहा है।
तो मैंने उसको कह दिया कि मेरे घर पे रह लेना। पर यहाँ पे रुकने के लिए क्यों बोला? वो क्या है ना, मेरी बहनों को लगता है कि मैं बहुत ही पुराने हालात का, इसलिए मैंने सोचा कि राजेश जब मेरे घर पे आकर के रहेगा तो राजेश और अदिति एक दूसरे से जान लेंगे और समझ लेंगे। अच्छा किया ना? बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दीदी अभी शादी नहीं करना चाहती। हाँ भैया, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। पर तुम्हारा सपना है क्या? मैं और चारू एक फैशन बुटीक खोलना चाहते हैं। और फैशन बुटीक खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए हम आपसे बात करने वाले थे, बस 15 लाख रुपए चाहिए, हम आपको बुटीक चलते ही रिटर्न कर देंगे। चारू, तुम्हें पता भी है कि 15 लाख में जीरो कितने होते हैं? 5 जीरो होते हैं 15 लाख में। लाओ पैसे दो। हमारी घर की लड़कियों को बाहर बिजनेस करने की और काम करने की कोई अनुमति नहीं, इसलिए जो दिमाग में भूत सवार है ना बुटीक खोलने का, निकाल दो, समझे? लेकिन ये हमारा सपना है भैया। मैं यहाँ तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ और तुम दोनों बेकार के सपने के पीछे पड़े। शादी के बाद जो भी तुम्हारा पति सपना दिखाएगा ना वो देख लेना, समझ में आया? अच्छा उधार समझ के दे दूं? अरे पैसे तो तब दूंगा ना जब बुटीक खोलने का परमिशन दूंगा, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? आप ना ये सही नहीं कर रहे भैया। जिस भैया ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया आज वही भैया तुम्हें सही नहीं लग रहे। वाह क्या घोर कलयुग है ये, तुम्हारी जैसे बहनों के कारण ही घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आप मेरे और भैया के बीच में मत बोलो, आप पीछे से हमारे भैया के कान भरती है, ये मुझे अच्छे से पता है। आपने खुद तो कुछ नहीं किया और हमें भी नहीं करने देना चाहती है। चारू छोटी है, छोटी की तरह रह, बड़ी बनने की कोशिश ना कर, समझ में आया? चारू अपने कमरे में जाओ। देखो भैया मैं उसको समझा दूंगी, लेकिन आप भी तो हमारे भैया हो ना, तो हम हमारे सपने और बुटीक के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे तो किसे करने जाएंगे? मैं तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को खराब कर रहा हूँ। शादी के बाद जो भी फ्यूचर प्लान करना होगा ना अपने अपने पतियों के साथ कर लेना, और ऐसे भी अब कुछ नहीं हो सकता दीदी, कल राजेश आ रहा है, ओके? भैया भैया मेरी बात तो सुनिए। पता नहीं क्यों तुम्हारी बहनों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, जबकि मैंने हमेशा उन्हें अपनी बहन की तरह माना। कॉलेज भेजकर गलती कर दी मैंने उनको, बाहर निकले है ना इसलिए इतना ज्यादा इधर उधर दिमाग घूम रहा है। कॉलेज मैं भी गई, लेकिन जब से इस घर में आई तब से लेके अभी तक मैंने इस घर के संस्कार को अपनाया है। अरे पापा दीपिका तुम सबसे बेस्ट हो, तुम उनकी बातों को ज्यादा दिल से क्यों लगाती हो? तुम्हारा दिल तो मुझ पे लगना चाहिए। तुम्हें तो बस बातें बनाना था। इन्हीं बातों से तो मैंने तुम्हें इंप्रेस किया था। ये फूल मुरझाया क्यों लगता है? मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। क्यों? किसी को शक हो गया है क्या? भैया ने मेरी शादी तय कर दी है। राजेश नाम का कोई लड़का है और कल से कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रुकने के लिए आ रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे बुटीक खोलने का सपने का क्या होगा? हमें सपने दिखने का हक कहाँ है? तुमसे शादी करने का सपना और हमारा बुटीक खोलने का सपने को अब हमें भूलना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी निराश मत हो, मैं जितना विनीत को जानता हूँ अगर तुम उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगा। अरे राजेश आओ आओ यार। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। यह है दीपिका मेरी पत्नी, यह है मेरी सबसे छोटी बहन चारू। हाय। और यह है मेरी बहन अदिति। राजेश, तुम जितने दिन चाहो यहां पे रह सकते हो। मैं चाहता हूं तुम और अदिति एक दूसरे को अच्छे से जान लो। तुम खड़ी क्यों हो? जाओ चाय लेकर आओ, घर में मेहमान आए हैं। अरे बैठो ना राजेश, बैठो बैठो। और बताओ कैसा रहा सफर तुम्हारा? क्या दी थी ये, क्या कर रही हो तुम? चाय गिरा दिया तुमने? अरे कोई बात नहीं, होता है। अरे नहीं राजेश, ये सब चीजें ध्यान तो रखनी चाहिए ना इसको। राजेश तुम जाकर के फ्रेश हो जाओ और आराम करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूं, मिलते हैं शाम में, ठीक है? दीपिका राजेश का ध्यान रखना, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसके खातिरदारी में। ओके राजेश। टॉवल मिलेगा? अरे तुम तो डर गई। साली साहिबा चाय बनानी है? अभी आपकी कोई दीदी से शादी वादी नहीं हुई है, मैं आपकी कोई साली नहीं हुई। तीखी मिर्ची कुछ चाहिए था क्या आपको? तुम्हारे हाथों की चाय। सॉरी पानी गिर गया। मैं साफ कर देता हूं। अदिति तो मेरी पूरी घरवाली बनने वाली है, तो तुम भी मेरी आधी घरवाली रहोगी और तुम भी मुझे आधी पत्नी का सुख दे सकती हो। अरे मेरा मतलब मेरी सेवा करने का सुख, चाय बनाना, नाश्ता देना, खाना खिलाने का सुख। और राजेश बाबू समय अच्छे से बीत रहा है ना? कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं? आपकी बहनों के रहते खराब कैसे बीत सकता है? मैंने राजेश का पूरी अच्छी तरह ध्यान रखा है ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो। राजेश का बड़प्पन है कि राजेश ने शादी के लिए दहेज के बारे में कोई बात नहीं। जिसे इतना अच्छा परिवार मिला हो उसे पैसों की क्या जरूरत? माँ हमेशा कहती है पहले फैमिली देखो, और मैं समझ सकता हूँ कि लड़कियों की शादी करने में कितनी परेशानी होती है, और मेरी ट्रेनिंग यहां नहीं होती तो मैं लड़की भी नहीं देखता। 9 बज गए हैं, मां से बात करने का वक्त हो गया है। जब तक उनसे बात ना करूं उनको नींद नहीं आती है। आता हूं। देखा कितना संस्कारी लड़का मिला। अदिति ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ऐसे सच कहूं मुझे उम्मीद नहीं थी तुम दोनों से, तुम दोनों राजेश का ध्यान इतने अच्छे से।
आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दोगे? हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? देखो भैया, अब भले हमारी शादी राजेश से तय करवा दीजिए, लेकिन हमें थोड़ा समय और बुटीक खोलने के लिए थोड़े पैसे तो दे दो। भैया सब कुछ फिक्स्ड हो चुका है, बस खाली डील फाइनल करना बाकी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं तुम दोनों की ये बात कभी नहीं मान सकता। हम अपने सपने तो नहीं टूटने देंगे भैया, और आप ये मत भूलिए कि आजकल बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार होती है। अगर आप हमें बुटीक के लिए 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेकर अपने सपने पूरे करेंगे। अब यही देखना बाकी रह गया था। जिस बहन को बेटी की तरह रखा, आज वही बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। समझाओ उसको, वो ज्यादा जबान चला रही है आजकल, लगता है टीवी ज्यादा देख रही है। और ये लड़कियों की हक वाली बात ना सिर्फ टीवी फिल्मों में ही अच्छा लगता है। खाना तो खाते जाइए। क्या खाना खाऊं, मूड खराब कर दिया।